चलते हैं टॉपिक पोलराइजेशन की तरफ हम लोग देखेंगे टॉपिकेशन ऑफ लाइट वेव आर रिस्ट्रिक्टेड टू सिंगल प्लेन जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशन है लाइट वेवस की वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है एक सिंगल प्लेन की तरफ इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं पोलराइजेशन

जो अगली ट्रांजिशन प्रोड्यूस हो रही है वो इलेक्ट्रॉन के हॉरिजेंटल प्लेन के अंदर ऑर्बिट करने की वजह से होगी देन द लाइट वेव वेविटेड इज इन पोल प्लेन तो जो लाइट एमिट हो रही है वो किस प्लेन से पोलराइज होगी स्टूडेंट्स स्टूडेंट प्लेन से द लाइट वेव्स लाइटेड फ्रॉम अ सोर्स सच एज कैंडल फ्लेम फिलामेंट ऑफ बल्ब और द सन इज नॉन पोलराइज इन तमाम सोर्सेज से जो लाइट निकलती है स्टूडेंट्स वो नॉन पोलराइज्ड होती है दिस इज बिकॉज द लाइट वेव्स आर

वो कहां पर होता है एट द राइट एंगल अभी स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि कैसे प्रोडक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने लाइट को इजीली पोलराइज किया अब हम लोग देखेंगे कि कैसे लाइट को बनाया जा जा सकता सकता है है पैदा किया बाय यूजिंग सम इट इज पॉसिबल टू ऑपटेन प्लेन पोलराइज बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अनपोलराइज लाइट बाय रिमूविंग ऑल द फ्रॉम द बीम एक्सेप्ट हैविंग अलोंग वन पर्टिकुलर डायरेक्शन ये पॉसिबल है एक प्लेन पोलराइज बीम को बनाया जा सके किसके थ्रू अगर हमारे पास जो बीम आने वाली है वो हो बाय रिमूविंग अगर हम लोग रिमूव कर दें जो अननेसेसरी वेव्स हैं एक्सेप्ट हैविंग वन पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वेव्स हैं उनको रोक लिया जाए और उन वेव्स को जाने दिया जाए जो कि नेसेसरी हैं दिस कैन बी अचीव बाय वेरियस प्रोसेसिस पोलराइजेशन ऑफ लाइट को हम लोग वेरियस प्रोसेसेस को यूज करते हुए अचीव कर सकते हैं वो प्रोसेसेस क्या है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कि जो एब्जॉर्प्शन है लाइट वाली वो सिलेक्टिव हो रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस जो सरफेस हो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो रिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स और जो क्रिस्टल्स यूज किए जाएंगे उनके थ्रू रिफ्लेक्शन इजीली पास हो सके स्कैटरिंग बाय टायनी पार्टिकल्स जो टायनी पार्टिकल्स हैं उनमें से इजीली जो लाइट है वो स्कैटर हो सके तो है ये तरीका स्टूडेंट्स प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट का अब एक और फॉर्मेशन देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग पोलराइजेशन की जिसमें लाइट पोलराइज होगी किसके थ्रू बाय यूजिंग रिफ्लेक्शन व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट फॉल्स ऑन ग्लास वाटर एटसेट्रा द रिफ्लेक्टेड लाइट इज इन जनरल पार्शली प्लेन पोलराइज्ड जब एक अनपोलराइज्ड लाइट फॉल करती है किसी ग्लास के ऊपर या वाटर के ऊपर रिफ्लेक्टेड लाइट जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी इज जनरली पार्शली प्लेन पोलराइज वो क्या होगी पार्शली प्लेन पोलराइज बट एट एन सर्टन एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर हम लोग एक सर्टन एंगल को मुकर्र कर दें स्टूडेंट्स तो क्या होगा लाइट इजीली पोलराइज हो जाएगी और वो जो एंगल है वो क्या कहलाएगा पोलराइजिंग एंगल सो इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग

पैरेलल होंगी अलोंग विद द सरफेस एज शून जैसा कि आपकी डायग्राम में शो किया गया है अप्लाइंग स्नेलस लॉ स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स स्नेलस लॉ क्या होता है कि रिफ्रैक्टिंग इंडस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सो इसको लिखते हैं हम लोग जनरल फॉर्म में n1 sin ऑफ इंसिडेंट एंगल p जो कि पोलराइज लाइट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है विच इज इक्वल टू एन टू साइन ऑफ आर ये क्या है हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल वेर एन वन n2 एन टू आर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ये दोनों हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं ऑफ मीडियम वन एंड टू दोनों मीडियम्स के लिए सिंस फ्रॉम फिगर अगर हम लोग फिगर से देखें तो हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है फॉर पोलराइज लाइट प्लस 90 डिग्री जो एंगल है दरमियान में राइट एंगल प्लस रिफ्रैक्टेड एंगल ये किसके कोल होगा 180 डिग्री ये चीजें मिलकर क्या बना रही हैं स्टूडेंट्स 180 डिग्री का फेज सो आर विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आर पी हेयर आर विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आई पी हैंस पुटिंग दिस वैल्यू इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है एन वन साइन ऑफ इंसिडेंट आई को पुट कर लिया थीटा की जगह वैल्यू को पुट किया हम लोगों ने नाइनटी डिग्री माइनस आई पी इसको हम लोग इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं इसी के साथ एन वन साइन ऑफ आई सब्सक्रिप्ट में पी विच इज इक्वल टू एन टू कॉज ऑफ आई पी क्यों क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वो थीटा की जगह यहाँ पर हमारे पास इंसिडेंट एंगल है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स? कॉज ऑफ इंसिडेंट एंगल आई पी इसको हम लोग इक्वेशन टू कह देते हैं फर्दर सॉल्व करते हैं एन टू डिवाइडेड बाई एन वन किसके इक्वल है साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल P डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ इंसिडेंट एंगल P फर्दर सॉल्व करेंगे एन टू डिवाइड बाय एन वन किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स टेन आई पी दिस इज नाउन एज ब्रेस्टर्स लॉ इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स ब्रेस्टर्स लॉ फॉर ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए है ऐसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के ग्लास के लिए वो कितना होना चाहिए वन पॉइंट डबल फाइव फॉर ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फाइव फाइव द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स आई पी इज इक्वल टू फिफ्टी सेवन डिग्री सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास ब्रेस्टर्स लॉ फॉर ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फिफ्टी फाइव अगर हम लोग देखें कि जो क्रिस्टल्स है हमारे पास अगर हम लोग इसमें से लाइट को पोलराइज करना चाहें तो क्या होगा स्टूडेंट्स इस एंगल के ऊपर इंसीडेंट एंगल को यूज करते हुए हम लोग इजीली रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से गुजरते हुए लाइट को पोलराइज कर लेंगे अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ पोलराइज लाइट की के पोलराइज लाइट को हम लोग किस किस एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं और ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास रिड्यूसिंग ग्लेयर उनसे जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर आंखों में आती है तो स्टूडेंट इसको हम लोग क्या कहते हैं ग्लेर इट कैन बी रिड्यूस्ड बाग पोलराइजिंग मेटीरियल एज द रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शली और कम्पलीटली पोलराइज पोलराइज्ड मटेरियल्स को यूज करते हुए हम लोग इस रिफ्लेक्टेड लाइट को कम कर सकते हैं दस पोलरॉइड डिस्क सुटेबली ओरिएंटेड आर यूज्ड इन सन ग्लासेज जो सन ग्लासेज हैं उसमें पोलरॉइड डिस्क को इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो लाइट है उसको इजीली पोलराइज किया जा सके दूसरा पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज मेड टू पास थ्रू सर्टेन क्रिस्टल्स एक बीम ऑफ लाइट को पास किया जाता है कुछ क्रिस्टल्स जो कि क्रॉट्स के बने हैं और लिक्विड्स जो कि शुगर सॉल्यूशंस के कंटेन हैं द डायरेक्शंस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द ट्रांसमिटेड पोलराइज़्ड लाइट इज फाउंड टू बी रोटेटेड तो जो वाइब्रेशंस हैं वो ट्रांसमिट हो जाती हैं पोलराइज़्ड लाइट की फॉर्म में और उसके बाद फर्दर रोटेट हो जाएंगी जब लाइट को उसके थ्रू पास किया जाएगा दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी और ये फिनना हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है जो पोलराइजिंग शीट्स हैं विंडो में फिक्स कर दिया जाता है। इनर वन इज रोटेटेड इन सच ए वे टू एडजस्ट लाइट टू बी इमिटेड जो इनर वन है उसको ऐसे रोटेट किया जाता है कि जो उसकी एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल वैसी बन जाए कि जो लाइट है वो इजीली पोलराइज्ड होकर रूम के अंदर आ जाए सो so, पार्टिकल्स जो हैं वो इजीली उस विंडो के थ्रू पोलराइज्ड होकर रूम के अंदर एंटर हो जाएंगे यह है एप्लीकेशन कर्टनलेस विंडो का कंट्रोल ऑफ हेडलाइट ग्लेयर जो गाड़ियों की हेडलाइट्स होती हैं उनके ग्लेयर को कंट्रोल करने के लिए भी पोलराइज लाइट को वहां पर एप्लीकेबल किया जाता है ड्यूरिंग नाइट सेफ ड्राइविंग इज पॉसिबल इफ ईच कार हैविंग पोलराइजिंग हेडलाइट्स

उनके ऊपर स्ट्रेस सप्लाई किया जाता है बाय बेंडिंग ट्विस्टिंग और हीटिंग दे बिकम डबली रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिंग वो अपनी रिफ्रेक्टिंग की जो है उसको डबल कर लेते हैं एंड इफ व्यूड इन वाइट लाइट अगर उनको वाइट लाइट में देखा जाए बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइज कलर्ड फ्रिंजेस हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि दो क्रॉस्ड पोलराइज फ्रिजेस हमारे सामने शो होंगी आर सीन राउंड रीजन ऑफ द स्ट्रेन जो स्ट्रेन का रीजन है वहां पर